बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में शाद आबाद होंगे। आज मैं बना रही हूँ लच्छा पराठा, फ्रोज़न पराठा। दूध लिया है मैंने एक गिलास, दो चमचे भर के मैंने लिए शुगर, नमक हसब जायका, दो अंडे। अंडे अगर आपको नहीं पसंद तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा लेना। और एक किलो लिया है आटा, नॉर्मल आटा जो घरों में हमारे होता है। पहले हम एक मिक्सर तैयार करेंगे, बैटर मिक्सर की तरह आपको घेंट लेंगे। दो अंडे तोड़े हैं मैंने बॉल के अंदर, इसमें मैं डाल रही हूँ एक गिलास दो चमचे चीनी, शुगर ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। नमक हसब जायका मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, आप हसब जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें। ये आटे के अंदर मैंने जो बैटर बनाया है इससे मैं आटा गूंद रही हूँ। बाकी अगर आटे में थोड़ा सा हमें गुंजाइश लगी तो हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, बाकी दूध के अलावा। तो दूध के गिलास में ही मैंने पानी ले लिया है, इसमें 2.5 गिलास लगे हैं आटा गूंदने में। इसको मैं स्लेब के ऊपर रख के काउंटर पे, और इस काउंटर के ऊपर अच्छी तरह से इस तरह से मसलना है इस आटे को, आपस में ये मिल जाए, जान हो जाए। इस तरह से आटे के अंदर एक अच्छा सा तैयार होता है, बहुत नरम और मुलायम। करके देखना आप लोग ये ज़रूर। इसको मैं रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो गया है, आटा मेरा सॉफ्ट हो चुका है, ठहर गया है। देखें सॉफ्ट, और जिस तरह से हम रोज़ाना रोटी का आटा बनाते हैं वैसे ही आटा बनाना है। इसके मैं पेड़े तोड़ लूँगी। पेड़े हम लेंगे 125 ग्राम, नॉर्मल पेड़े लेना है, ज़्यादा या कम पेड़े नहीं करना है। ना वो छोटा पेड़ा लूँगी और ना बड़ा, नॉर्मल पेड़ा लूँगी एक। इसमें देखती हूँ मैं कितने पेड़े बनते हैं। एक पेड़ा मैं बना के रख रही हूँ, बाकी भी सारे आटे को इस तरह से मैंने पेड़े बना लिए हैं। 1 किलो आटे में मेरे 12 पेड़े बने हैं। इसके अंदर मैंने ऑयल लगा दिया है ताकि खुश्क नहीं हो हमारे पेड़े। अभी ये वो वाले पेड़े नहीं बने हैं जिससे पराठा बनता है, अभी समझ में मैंने काउंट करने के लिए उनको पेड़ों को बनाया है। काउंटर के ऊपर मैं लगा रही हूँ डस्ट थोड़ा आटे का, और एक रोटी को बेलूँगी पेड़े को, रोटी की तरह गोल बेलना है। ये पराठे आप फ्रीज करके रखें, बना के रमज़ान में अचानक देर हो जाती है खुले में या काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो फटाफट निकाला और तवे पे डाला और फ्राई कर लिया। वैसे तो बाहर के भी पराठे मिलते हैं लेकिन घर में बनाने की तो आपके सामने ही किस तरह से बन रहे हैं। ये मैं ऑयल घी लगा रही हूँ, मेल्टेड घी लिया है मैंने। आप चाहें तो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे पराठे पे हल्के हाथ से ऑयल लगाना है और उस पर डस्ट करना है खुशक थोड़ा सा, उसको इस तरह से रोल करना है हल्के हाथ से। सारे पराठे को हम रोल कर लेंगे। काम तो थोड़ा मेहनत तो लग है लेकिन एक ही दफ़ा करना पड़ेगा आपको, इससे आप आराम से 10-15 दिन तक के पराठे बना दें, फिर दोबारा बना लें। मैं तो इस तरह आपके पराठे फ्रीज ही कर देती हूँ। देखिए मैंने अच्छी तरह से रोल कर लिया है पराठों को, पेड़ा बना लिया है रोल का। ये एक रोल बना है इस तरह से, बाकी के सारे भी मैं ये इस तरह से ही रोल बना लूँगी पेड़ों को। ये सारे रोल बन गए हैं, ये आखिरी पेड़ा बना रही हूँ मैं। अब जो हमने पहला पेड़ा रखा था वहीं से हम ये मैंने ली हैं दूध की छोपरे। 1 किलो दूध जो आता है जिसमें, उसको पीछे से हमें काटना है जहाँ से पंच होता है, और इसको हम खोलेंगे कैंची से। ये वही दूध की छोपरे हैं जो 1 किलो बॉयल दूध का आता है। इसको इस तरह से मैं काट कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। ये बाकी की छोपरे भी मैंने इस तरह से ही काट ली हैं और एक साइड में रखती हूँ। अब मैं बनाती हूँ पराठे। पराठे की तरतीब कुछ इस तरह से लेंगे, जो सबसे पहले बना के रखा है वो सबसे पहले ही उठा के करेंगे, आखिर के नहीं लेंगे। तो अब पराठे को मैं खुशका लगाऊँगी हल्का सा, और खुशकी को हल्के हाथ से झाड़ के पराठे को हम रोल पेन से हम रोल करेंगे पराठे को, अच्छी तरह से बेलेंगे। हल्के हाथ से बेलना है, साइज़ आपके ऊपर है कि मोटा पराठा आपके घर में पसंद है या पतला पराठा। मैं नॉर्मल पराठा बना रही हूँ, अच्छी तरह से इसको गोल किया है
और एक ट्रे के ऊपर एक शॉपर बिछा रही हूँ जो मैंने आपके सामने अभी काट के दिखाई थी आपको। इस पे मैं पराठा रखूँगी। बनाएं और ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी। इसको इस तरह से देखें कवर अप कर दिया। बाकी के पराठे भी हम इस तरह से शॉपर के ऊपर रख रख के बना लेंगे। जितने भी हैं शॉपर रखेंगे, फिर पराठा रखेंगे, फिर शॉपर कवर करके फिर इस पर पराठा रख दूँगी। इस तरह से मैं अपने सारे पराठे बेल के तैयार कर लूँगी। दूसरा पराठा भी मैं इसी तरह से इसके ऊपर ही रख रही हूँ। अब इसके ऊपर नया शॉपर लगाऊँगी मैं। आप चाहें तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो शॉपर का इस्तेमाल कर लें। ये सारे पराठे मेरे बन चुके हैं, तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको ये 2 किलो के साइज़ का, 1 किलो की शॉपर ली थी 1 किलो साइज़ की, और ये 2 kg के साइज़ का ज़िपलॉक बैग लिया है एक बड़ा। इसके अंदर मैं पराठों को सेव करूँगी ज़िपलॉक बैग के अंदर, और इसको हम फ्रीज़ कर देंगे फ्रीज़र में। एक पराठा मैं आपको बना के भी दिखाऊँगी। पराठा आप एक निकालें फ्रीज़र में से और फ़ौरन उसको गर्म तवे पर रख दें। ये नहीं कि आपने निकाला और उसको रख दिया, इस तरह से पराठा ख़राब हो जाएगा। बस गरम तवे पे फटाफट आप ये पराठे को फ्राई कर लेना हल्के ऑयल में या घी में या बटर में। मैं ऑयल में पराठे को सेक के दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से बन के तैयार हुआ है पराठा। बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, बनाना ज़रूर ट्राई करना आप लोग। कोशिश किया करें ऑयल का घी का इस्तेमाल थोड़ा कम ही सही रहता है। देखें कितना क्रिस्पी पराठा बनके तैयार हुआ है, सब तरफ से अच्छी तरह सिक गया है। बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा लगेगा ये रेसिपी। पराठा बनके तैयार हो गया है, बाकी के पराठे मुझे फ्रीज़ करने हैं। तो आपकी जितनी फैमिली के हिसाब से एक पराठे या 2 पराठे, 4 पराठे, 5 पराठे, जितने भी निकाले और आराम से बना लिया। मिलते हैं।